सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। इस दौरान इनेलो कांग्रेस बीजेपी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में पूरे दिन किसानों की कर्ज माफी और सत्र की अवधि का मुद्दा छाया रहा। सत्र अवधि को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर नजर आए, लेकिन इसी बीच स्पीकर ने कांग्रेस विधायक करण दलाल का निलंबन भी वापस लिया। उधर बीजेपी सरकार ने हंगामे के बीच कई विधेयक पास करवाए और सरकार ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को भारी हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। इसके बाद दोनों दलों के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कोई इलाज नहीं है, बैठना पड़ेगा, 100% बैठना पड़ेगा। नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ 100% बैठना पड़ेगा। नहीं गलत, कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। सही का गलत है? एक मिनट, मेरी मर्जी से बोल। शीतकालीन सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक करण दलाल का सदन से निलंबन भी समाप्त हुआ। विधानसभा का सत्र शुरू होने पर सबसे पहले पिछले दिनों दिवंगत हुई हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने पर कांग्रेस विधायकों ने किसानों के कर्ज का मामला उठाया और उन्हें माफ करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा के किसान कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच भी कहासुनी हुई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने सरकार और स्पीकर पर भी सवाल उठा दिए। एक इशू पे चर्चा थी, उसको लेकर के भी स्पीकर ने सारा समय बर्बाद करवा दिया। कभी कांग्रेस का कोई आदमी खड़ा हो जाता है, कभी कोई आपके अपोजिट इसके बीजेपी के, जो बीजेपी के तो ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है। या तो कोई मिनिस्टर खड़ा हो, उसके डिपार्टमेंट की बात हो, तो वो कोई बात बोले, वो कोई जवाब दे, वो कोई पूछे। कोई भी MLA खड़ा होकर के कहता है आप इस इशू पे नहीं बोल सकते, आप इस इशू पे नहीं बोल सकते, भी उनको किसने अथोराइज कर रखा है? ये तो ये मान के चलो फिर स्पीकर की पद की कोई गरिमा नहीं बची। फिर तो स्पीकर की मान के चलो, फिर कहीं ना कहीं स्पीकर भी उनके साथ ही खड़े हैं। इसका मतलब जब ऐसी छूट दी जाती है तो स्पीकर भी मजबूर है कहीं उनके सामने, इसलिए उनको छूट देने का काम करते हैं। इस किस्म की कार्रवाई हुई आज, कोई सदन के मर्यादा के उसमें नहीं हुई। जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कार्रवाई चलाई, ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं। इधर से नारे लग रहे हैं और उधर सरकारी बिजनेस करने, हमारे को पता ही नहीं कौन सा बिल पेश हुआ है, कौन सा बिल पास हो रहा है, कौन उसमें कोई चर्चा लेने का मौका नहीं, कोई किसी का मौका नहीं। तो इस किस्म का सदन तो एकदम ऐसा हो गया जैसे गांव की पंचायत बढ़िया। इनसे मुख्यमंत्री पहले बयान दे चुके हैं कि किसान को कर्ज माफी की जरूरत नहीं, जबकि ये बात ठीक है, कर्जा माफी ही एक समाधान नहीं है। कर्जा माफी के साथ साथ उसको किसान को सक्षम बनाएं ताकि उसको दोबारा कर्जे का नाम जरूरत पड़े। लेकिन जो आज स्थिति है, किसान कर्जे में डूबता जा रहा है क्योंकि जो उसकी लागत है वो बे इंतहा बढ़ गई। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का विधानसभा की कार्रवाई पर कोई अधिकार नहीं रहा, कंट्रोल नहीं है। नारे लग रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, ना बिल्स पर कोई डिस्कशन हुआ, सरकार चाहती भी नहीं थी। जो सरकार नहीं चाहती थी तो सरकार के दबाव में स्पीकर महोदय ने कर दिखाया। ये हरियाणा के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है, ये काला अध्याय है। सरकार की मंशा थी और उस मंशा को माननीय स्पीकर साहब ने पूरा कर दिया। मंशा ये थी कि ना तो SYL पर कोई चर्चा, मंशा ये थी कि इंडिया ये लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा ना हो, मंशा ये थी कि कर्ज किसानों के कर्ज की माफ़ी पर कोई चर्चा ना हो। सरकार का नियत जो थी उस नियत को माननीय स्पीकर साहब ने अपना सहयोग देकर साकार कर दिया है और बिल्स पास हो गए हैं बिना किसी डिस्कशन। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने समय पर बिल की प्रति विधायकों को न मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ये सत्र शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है।
रामविलास शर्मा ने कहा कि बीएसई की बैठक में तय किया है कि डबल सेटिंग होगी। इनेलो विधायकों ने सदन में एसवाईएल नहर मामले पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसको ये कहकर ठुकरा दिया कि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। हाउस एक सिस्टम है जिससे चलता है, कोई जनसभा नहीं। जनसभा में आप कुछ भी मुद्दे उठाओ, कुछ भी कहो, वो आपका है। लेकिन हाउस क्या है, उसमें ये है कि जो भी आप प्रश्न उठाते हैं सरकार को उसका जवाब देना होता है, तो सरकार जवाब उसी का देगा। प्रश्न आप पहले पूछ लोगे, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ही पूछ लोगे सरकार जवाब। तो जो हमने स्वीकार किया था, उन्होंने कॉन्टेंशन मोशन लगाए जो कि भाई किसान की जो फसल है, जो किसान का जो गन्ना है उसके उसकी पेमेंट की बात थी या पानी भराव की बात, दोनों स्वीकार किया तो उस पर जवाब दें। कुल मिलाकर विधानसभा के दिनभर की कार्यवाही में वॉकआउट, हंगामा, नारेबाजी देखने को मिली। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सत्र से पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और इनेलो ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया था, लेकिन ये सत्र अवधि को लेकर ज्यादा चर्चा में रहा। चंडीगढ़ से सुदर्शन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आपने देखा, ये आज का सत्र रहा। हंगामा, नोकझोंक, वॉकआउट, नारेबाजी, उसमें विधेयक पास हुए, लेकिन कई सवाल ये हैं कि क्या वाकई जो आरोप लग रहा है कि विपक्ष की मंजूरी के बिना या सहमति के बिना सब कुछ हो गया। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए चर्चा के लिए। तरुण भंडारी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी। और जोगीराम जी, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगीराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तरुण भंडारी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सत्र रहा है, अब हमने सुना कि भाई जो मुद्दे होंगे उसका सरकार जवाब देगी, लेकिन क्या वक्त खराब कर रहे थे आप, ऐसे आरोप लग रहे हैं? ऐसा है कि अरुण जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने जनता के साथ 154 वादे किए, उनमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। और आज ये सत्र, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये कहते थे कि ये सत्र 6-7 दिन का छोटा होता है, आज ये एक दिन का सत्र बुला के वाहवाही लूटना चाहते हैं। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो विधानसभा में डिस्कस होने हैं, 90 विधायक हैं, विधायक जब भी अपनी विधानसभा से चुन के आता है वो ये बात कहता है कि मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ बन के गूंजूंगा और हर मुद्दे को वहाँ डिस्कस करूंगा, परंतु यहाँ तो विधानसभा में इन्होंने इतना कम समय, पहला दिन श्रद्धांजलि में निकल जाएगा, शनि और इतवार की छुट्टी आ गई और मंडे को ये सत्र खत्म कर देंगे। ये किस तरह का प्रजातंत्र चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और ये बताना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, महिला उत्पीड़न पे, किसानों का कर्ज। कई बार इनके जो, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं, वो लगातार पिछले 4 वर्ष से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मैंने लागू कर दी, सरासर झूठ है। मैं बताना चाहता हूं, यही वो कृषि मंत्री हैं जिन्होंने कहा था 2800 रुपया फसल किसान की है, और जिस दिन 1500 रुपया केंद्र ने घोषित किया तो ये वाहवाही लूटने की बात करते, किसानों के साथ धोखा किया। बीमा लागू करके इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। रोज 4 से 6 किसान इस हिंदुस्तान में आत्महत्या कर रहे हैं। इनका कोई भी चर्चा का, आज इनको पता था कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को तो ये 4 साल से तानाशाही रवैये से उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। इनके खुद के विधायक, जो खुद के विधायक हैं, उन्होंने आज आवाज उठाई। इनको सबसे बड़ा डर वो था, जो इनके विधायकों ने आवाज उठाई है, कहीं हमारी किरकिरी ना हो जाए। जो सरकार अपने विधायकों को संतुष्ट ना कर पाए, वो जनता और विपक्ष को क्या संतुष्ट कर पाएगी? सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या वाकई आप चर्चा से, सवालों से भाग रहे हैं, ये आरोप लग रहा है? देखिए तरुण जी, कल भी इस विषय पर बहस थी, एक चैनल पर था मैं जी, और उस समय मैंने बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि कभी भी कांग्रेस और या इनेलो के शासन में किसी भी पार्टी की सरकार ने कभी शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया, और जो बुलाए गए थे पहले उनकी अवधि बहुत छोटी होती थी। आंकड़े इस बात को कहते हैं कि सर्वाधिक सत्र इस सरकार के दौरान विधानसभा के चले हैं, और ये अतिरिक्त सत्र एक दिन के लिए सरकार ने बिना परंपरा के नई परंपरा खड़ी करके ये सत्र में शुरू किया, और उसके बाद भी जब आपको पता है कि एक दिन का, दो दिन का सत्र है, उस समय केवल आप हंगामा करके और अपनी मूलभूत जो चीजें हैं उनको अवॉइड करके और जनता के सामने जनता के हितों का बहाना बनाकर उनको बेवकूफ बनाएंगे। आप विचार कीजिए, जिस जिन किसान भाइयों की बात करते हैं,
मोदी जी ने डेढ़ गुना उनको अपने फसलों का मूल्य देकर लागत मजबूत लागत जो बताई गई थी आपके कृषि मंत्री ने 2500 रुपया बताई और आपके प्रधानमंत्री 1500 रुपए घोषित करते हैं। सुनने का मादा रहना चाहिए। आप लोग इसीलिए भड़क रहे हैं कि मोदी जी ने जो फसलों के एमएसपी का रेट जो बढ़ा दिया, उस सिस्टम में जो डाल दिया, आगे से रेट डाउन नहीं होंगे, ऐसा सिस्टम 70 साल में नहीं हुआ जो मोदी जी ने और उनका धनखड़ की योजना ने जिसको सिरे चढ़ाया, उस बात को आप कैसे नकार सकते हैं। आप कर्जा माफी का आपका नेता खुद कहता है, भूपेंद्र हुड्डा जी खुद कहते हैं कि कर्जा माफी समाधान नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रखते सरकार ने कर्जा माफी की बजाय फसल का उचित मूल्य देकर लागत मूल्य से डेढ़ गुना मूल्य देकर किसान की हालत को सुधारने का पहला काम किया है। जी ठीक है, सत्यराज जी किसान की बात करते हैं। सर सर लौट रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं। जोगीराम जी भी जुड़े हुए हैं। जोगीराम जी, आज क्यों इतना हंगामा रहा? क्या आपको लग रहा है कि जितना इस पर चर्चा होनी चाहिए थी किसानों के मुद्दे पर, आप ही ने बात रखी थी गन्ना किसानों के मुद्दे की, वो वहां मान ली गई, फिर उस पर हंगामा इतना क्यों हो गया? देखिए, जो हमारे साथी शास्त्री करेंगे ना कि भी हमने ये शीतकालीन सेशन लाया है और एक परंपरा नहीं की हमने, अच्छी बात अगर ये कह रहे हैं तो, लेकिन अब ये मॉडर्नाइजेशन प्लान इतना बड़ा लेके आते हैं, 2-3 दिन का सेशन कर देते तो कौन सा फर्क पड़ जाता। अब इसमें क्वेश्चन आवा था ना, जीरो बोलने की तो थी नहीं, किसी को भी बोल पाएगा। एक हमारी पार्टी ने 4 मुस्लिम किए, 4 में से एक नेक्स्ट कर लिया इन्होंने, जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ दी इन्होंने, कर्जा माफी का इन्होंने छोड़ दी, गन्ने पे ले गई है, गन्ने में भी आज तक उनकी पेमेंट नहीं है, लोगों की गन्ने की अभी तक पेमेंट नहीं है, जबकि सब्सिडाइज रेट सरकार ने उनको शुगर को पैसे भी दिए हैं, अगर सरकार चाहती तो डायरेक्ट पैसे किसानों को दे सकती थी, उनको मदद मिल जाएगी, अभी तक पैसे उनको नहीं मिले हैं। इतना प्रतिपक्ष का बात तो यही है, उनका सवाल क्वेश्चन नहीं था, फिर उनको पैसे तो मिल गए, और अभी जो गन्ने का रेट ने 10 रुपए बढ़ाया 2 महीने के बाद, तो अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला, गन्ना चला गया 2 महीने से पैसा नहीं मिला जी। और एक इसमें मैं नई बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं सीएम साहब, उनके लिए एक एकड़ में कितना होता है, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि 400 क्विंटल होता है, 40 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए पर एकड़ का फायदा होगा। ठीक है सर। और सीएम साहब कह रहे हैं कि 500 टन होता है, 500 टन होता है और 10 रुपए के हिसाब से 5,000 हुआ है। जोगीराम जी, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शास्त्री जी, एक बात बताइए कि जब आप कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष समय खराब कर रहा है, लेकिन अगर 4 साल पूरे होने के बाद उनके कुछ सवाल थे, जब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि एक दिन का सत्र क्यों है, तो सबको सवाल पूछने का मौका दे देना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जो आपने विधेयक पेश किए वो भी टाइम से नहीं मिल पाए, इतने शॉर्ट नोटिस पर इस सत्र को बुलाने की जरूरत क्या थी? तरुण जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी चुनाव होते हैं, और चुनावों में 5 निगमों के लगभग हरियाणा की 17-18 विधानसभाओं के मतदाताओं ने अपना मत प्रदर्शित कर, शास्त्री जी हरियाणा में लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका है ना। मैं आ रहा हूँ सत्र चलता है उसमें विपक्ष की सहमति बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आ रहा हूँ उसी पर आऊंगा जी, जी। और उस लोकतंत्र के उत्सव में जो मतदाता ने बीजेपी की नीतियों पर, नियत पर, उनके नेतृत्व पर जो मोहर लगाई, उसका प्रशंसा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब मैं आगे आता हूँ। दूसरी बात, यदि यह सत्र आगे बढ़ता तो तरुण जी, विपक्ष की फजीहत होने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने बचा लिया, क्योंकि इनके जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर सरकार ने उतना सारा काम कर दिया कि आपके पास कोई प्रश्न बाकी नहीं बचता। आप जिन जिन बातों को उठाना चाहते हैं उस पर देखिए आप। हरियाणा, जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस भर्ती की एक इतनी बड़ी मिसाल खड़ी की, जिस तंत्र से हम सुरक्षा व्यवस्था करते हैं उस तंत्र के फोर्स की कमी थी, उसको पूर्ति किया। ठीक है। जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान की फसलों की लागत मूल्य का 1.5 गुना मुआवजा उनको एमएसपी देकर, और फिर सिस्टम में डाल करके आगे से जितना देश में महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से
किसान की उपज का मूल्य मिलेगा। जवाब ले लेते हैं। भावंतर योजना के माध्यम से हर किसान को सीमित है ना सर। भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं सत्यव्रत शास्त्री जी का इनको दुरुस्त कर दूं, ये जो आंकड़ों पे तो बात नहीं कर पाए, अगर इन्होंने ये मुद्दे छेड़े हैं तो इनकी बात, जो ये कह रहे नगर निगम चुनाव में इनकी जीत हुई, इनकी नीति क्या थी, इनकी नीति पे क्या मोहर लगी, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री कहते हैं धन चाहिए धन मिलेगा, गन चाहिए गन मिलेगा, पैसा जो चाहिए वो मिलेगा, और दूसरे मंत्री जाके ये कहते हैं कि इससे ज्यादा भी चाहिए वो भी मैं दूंगा, और मुख्यमंत्री तो कमाल ही कर देते हैं, राजनीति का इतना निम्न स्तर मैंने आज तक ऐसे लोकल चुनाव में नहीं देखा। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि मैं पंजाबी हूं, आज तक पंजाबी मुख्यमंत्री नहीं बना, अपनी जाति पे वोट मांगते हैं। आपकी नीति वही है, धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, वही नीति पे मोहर लगी है, और अकेले चुनाव लड़के आप जीते हो। मैं पूछता हूं जींद का उपचुनाव अलेट क्यों करवा रहे हो, आपने हल्फनामा हाईकोर्ट में क्यों गलत दायर किया कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए था, और मैं आप अपने समय में बोलिएगा, मैंने बड़े धैर्य से सुना, अब आप भी सुनिए, आपने हल्फनामा देखे वहां पर जींद का उपचुनाव रुकवाने की बात करी, आप कानून व्यवस्था की बात करते, क्राइम में हरियाणा तीसरे नंबर पर चला गया, ये आपकी उपलब्धि है। महिला उत्पीड़न आप देखिए, आज महिलाओं का मामले में हरियाणा गैंग रेप में नंबर वन पे आ चुका है। रोजगार देने की जहां बात कर रहे हो, आरटीआई से खुलासा हुआ है, चार साल में आपने 647 रोजगार दिए, लोगों को बेरोजगार करने का तो काम आपने किया, कच्चे कर्मचारी आज सड़कों पे है, क्या कच्चे कर्मचारियों को आपने पक्का कर दिया, जो रामविलास शर्मा जी कहते थे पहली कलम से पक्का करूंगा और पंजाब के बराबर वेतन मान दूंगा, आपसे झूठी सरकार आज तक कभी नहीं आई। जो किसानों की आप बात कर रहे हो, आप पहली ऐसी सरकार हो जिन्होंने खाद थानों में बिकवाई, और जो 1500 रुपए की आप बात कर रहे हो, एमएसपी पे 50% आपने प्रॉफिट की बात करी थी, आपके धनखड़ जी ने मूल्य निकाला था 2800 रुपए, और 1500 रुपए अगर आपने दिया मोदी जी ने, तो किसानों के साथ आपने धोखा किया है। और जब दोहरा मापदंड आपका देखिए, जब हमारे तीन राज्यों में सरकार बनी, वरुण जी मैं बताना चाहता हूं, पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलने लग गए, कहते हैं कि ये किसान की कर्ज माफी नहीं कर पाएंगे, इन्होंने 10 दिन का समय लिया है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी, पहले 6 घंटे में हमने कर्ज माफी की, और इनके कृषि मंत्री क्या कहते हैं कि अब 2 लाख की कर्ज माफी होगी, इसमें कंडीशन लगा दी। मैं कहता हूं आप कंडीशन लगा के कर्ज माफी कर दो, आपने कहा किसानों के लिए कुछ किया, ना व्यापारियों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना नौजवानों के लिए किया। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, शहर में कौन सी स्मार्ट सिटी भी है ना, आप दर्शकों की बात कर रहे हैं, दर्शकों का बने भंडारी जी, आपके फ्लॉप सरकार आज तक कभी नहीं बनी, और आपका विदाई समारोह होना निश्चित है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक शास्त्री जी आ रहा हूँ आपके पास, आपको मौका दूंगा। मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए जी, मनदीप क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, जिस प्रकार से सवालों से सरकार भाग रही है, जनता से भाग रही है, जनता से भी नहीं मिलना चाहती, और विधानसभा के अंदर पहला ये सत्र है मेरे ख्याल से हरियाणा विधानसभा के इतिहास का है, इसमें ना तो कोई शून्यकाल था ना प्रश्नकाल था, किसी को प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी गई, समय नहीं दिया गया, जो विधेयक पेश किए गए उनको उनका अध्ययन करने का विधायकों को समय नहीं दिया गया, और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से दी गई, उससे लोकतंत्र तार तार हुआ है, लोकतंत्र के इस मंदिर का अपमान हुआ है, इसकी इन हम सबको निंदा करनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। रही बात ये हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री अपने आप को छोटा स्वामीनाथन का नाम लेकर के कि हमने 1.5 गुना दिया है, तो आज ही मैं एक अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके माध्यम से गेहूं की जो लागत है वो 2074 रुपए आरटीआई के माध्यम से सरकार ने बताई है, और उसका एमएसपी 1840 रुपए, चने की लागत 6333, एमएसपी 4420, जो की लागत 1926, एमएसपी 1440, धान की 2637, एमएसपी 1770, सरसों की 4369, एमएसपी 4200, इस प्रकार किस तरह से ये 1.5 गुना दाम देने की बात कर रहे हैं। आज किसान कर्जवान है, प्रदेश का 88% किसान कर्जवान है, वो आत्महत्या को मजबूर है, भूख मरने को मजबूर है, इस प्रदेश का व्यापारी डर के साए में जी रहा है। ये कह दिया हमने भर्ती कर दी पुलिस की, पुलिस भर्ती आपने 4 साल के बाद अब की होगी, लेकिन अब भी आपने कानून व्यवस्था पर आपकी कोई पकड़ नहीं है, गरीब आदमी थाने में जाता हुआ डर रहा है, दुकानदार का व्यापार, दुकानदारी ठप पड़ी है, व्यापारी की व्यापार ठप पड़ा है, कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर है। संक्षेप में, और मेहमान भी है मेरे साथ, सर मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। जोगीराम जी, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष की फजीहत से बचाया है सरकार ने, ये कह रहे सत्यव्रत शास्त्री।
देखिए बहन जी, सबसे ज्यादा तो इसमें सरकार की फजीहत होनी थी कि इनके अपने मंत्रियों ने ही बोलना था। सबसे पहले तो उसी दबे कि अगर समय दिया गया तो इनके अपने ही एमएलए वो बोलेंगे सरकार के खिलाफ। दूसरा ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का, अपोजिशन के बाद बड़े क्वेश्चन थे, चार क्वेश्चन तो एडजोनमेंट मोशन हमारी पार्टी ने लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष ने बोला भी है कि भाई आप जो SYL का, जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो किसानों के कर्जे माफ करने का सबसे बड़ा मुद्दा है उसको छोड़ के ठीक है, गन्ने की पेमेंट का भी मुद्दा है और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई, अभी भी कह रहे 10 दिन में कर देंगे। दूसरा मैं जो कांग्रेस है उसको भी बताना चाह रहा हूँ, हमारे साथी भंडारी जी को, भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट इनके टाइम में आई थी तब इन्होंने लागू नहीं की, इसके बाद बीजेपी ने लागू नहीं की। दूसरा अभी पूर्व सीएम हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे ये जवाब स्वामीनाथन किसने बनाया, कांग्रेस की सरकार में बना और हमने कंडेला में किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, किसानों के नाम पे वोट भंडारी जी आपने उसकी रिपोर्ट को लागू किया है और उनकी छाती पे गोली मारने का काम किया। स्वामीनाथन का बताता हूँ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई है 400 करोड़ रुपए खर्चा किया है उन्होंने, वो शास्त्री जी शास्त्री जी उसके बारे में भूपेंद्र हुड्डा क्या अध्यक्ष थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? आपने अपने घोषणा पत्र में ये बात बोली कि स्वामीनाथन की योग रिपोर्ट की लागू करेंगे, क्या आपने कर दी? आप आज आप ऐसा लगता है कि आज आप विपक्ष में हो और कांग्रेस की सरकार है, आपने यही झूठा प्रचार तंत्र करके तो अपनी सरकार बनाई है। अब सरकार में आपको डिलीवर करने का वक्त है, ना कि झूठे आरोप लगाने का, और पुरानी बातों को आप छेड़ के दोबारा वोट बैंक लेना चाहते हो। आप ये बताएं आपने 4 वर्ष में क्या किया? किसान आज किसान की दुर्दशा करने का काम आप लोगों ने किया, आज आप धरातल पे चल जाओ, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। अभी आपने देखा किसानों ने यहाँ पे प्रदर्शन क्यों किया और किसानों के ऊपर गोली चलाई, आपने लाठी डंडे चलाए, आपसे तानाशाह सरकार तो कोई हो नहीं सकती। और झूठी बाबा लूटे आप 5 नाम आप 5 काम करने वाले 154 में जो आपने घोषणा पत्र में आपका संकल्प पत्र था उसमें से कोई भी 5 काम आप करवा दीजिए जो आपने किए हो। आपने हर मुद्दे पे झूठ बोला है, क्या आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, कभी स्वच्छता अभियान चलाया? आप पहुंच नहीं पा रही ना, सभी बोलेंगे तो ठीक है। शास्त्री जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग आपने बैठाया, आपने उसकी क्रियान्वयन समिति बनाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके अध्यक्ष थे, एक भी लाइन उसमें क्रियान्वयन क्यों नहीं हुई? इस सरकार के आंकड़े बोलते हैं तो आज तक सार्वधिक मुआवजा चाहे तो ओलावृष्टि का हो, पानी भराई का हो, सड़क पे सुनते हो ना कर्मचारी की ना युवा की, आप सुनना सीखे पहले, आप सुनना सीखे। आपके राजपाल आपके दिमाग पे चढ़ चुका है और जनता उतारने का काम करेगी आपका। सर्वाधिक मुआवजे की राशि सरकार ने तय की, झूठ बोल रहे हो आप। योजना इन्होंने लागू की और एक एकड़ की इकाई उसके अंदर क्रियान्वयन के लिए रखी, किसानों के लिए एमएसपी सरकार ने दिया, सर्वाधिक मूल्य दिया, उसको सिस्टम में डालकर आगे बढ़ने वाली योजना इन्होंने दी। और यदि किसी प्रकार की किसानों का सत्ता हित थी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, और आने वाले समय में भाषण देना नहीं, भाषण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भाषण है। आप बताइए मोदी के भाषण एक उपलब्धि शासन के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। आप भाषण ना करें, एक पॉलिटिकल मंच में आप आंकड़ों से बात करें। क्या आपने 50% जो एमएसपी का था उसके 50% दाम बढ़ा के दिए क्या? सत्यव्रत जी मेरा सीधा सवाल है, मुझे सीधा जवाब दीजिएगा आप कि क्या जिस तरह से सत्र हुआ है क्या विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया, क्योंकि पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है ऐसा कर लिया जाता तो क्या हो जाता? तरुण जी ये सब ऊपर की बातें हैं, विपक्ष के नेताओं से बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, उनकी स्वीकृति हुई और मना कर रहे हैं सर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए थी, आपने प्रजातंत्र की हर जगह हत्या की है, आपने वो नहीं की प्रश्न का लगा, आपने प्रश्न प्रश्नों पे कोई बात नहीं करी, आपने तो सिर्फ तानाशाही।
आप अपनी याददाश्त दुरुस्त कर ले, कुछ शब्द रच के आए हैं, उन शब्दों के बोलने से डिबेट पूरी नहीं होती। आप अपना भाषण ना पहले आप आंकड़ों पे बात करें, मैं वही बताना चाहता हूँ। आप तो सच्चाई भी सुनना नहीं चाहते। आप अपने नेताओं से पूछ कर आए हैं क्या, आज उनसे सहमति हुई कि नहीं हुई? नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। सत्यव्रत जी, आप अपनी जुबान पे रहना। MH1 के चैनल पे आप कह रहे हो कि विपक्ष की सहमति थी, कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ वरुण जी, इस बात को नोट कर लेना। शास्त्री जी, फिर एक बात बताइए ना, सदन में आज आप झूठ बोल रहे हो। कहना पड़ा कि पहले जानकारी नहीं थी, बिल के बारे में नहीं था, और फिर ये सफाई आई कि शॉर्ट नोटिस पे ये सत्र बुलाया गया है। किसी विपक्ष के नेता का ये बयान आया कि हमारे 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 किरण चौधरी जी का बयान आप सुनिए, ध्यान से सुन के आइए, तब बोलने का काम करिए। आपका नेता भूपेंद्र सिंह, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। हमारे विपक्ष की नेता किरण चौधरी है। आपका कल का प्रवक्ता मेरे सामने बैठा था, भूपेंद्र हुड्डा को नेता मान रहे थे। क्या बातें कर रहे हो आप तो ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ध्यान ना भटकाए, आप आंकड़ों पे कोई बात नहीं कर पा रहे, आप मुद्दों पे कोई बात नहीं कर पा रहे, आप कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हो। आप छोड़ दीजिए इस बात को। जोगी राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब सरकार जो जिस तरह की बातें कर रही है, कई विधेयक भी आज जो है वो पास हो गए हैं, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे तो पहले जो हमारे माननीय स्पीकर साहब हैं, उनका जो रोल है बड़ा हास्यास्पद रहा है कि उनकी अथॉरिटी को ही उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। सीएम साहब ही फिक्स करते हैं सारा कि भी एक दिन का सदन होगा, ना बोलने का किसी को समय मिलेगा, ना बोलने दिया जाएगा। अगर ऐसा ही है तो बिल पास पे किसी की वोटिंग नहीं हुई, किसी को नहीं हुआ। स्पीकर साहब कहते हैं कि भी हाँ या ना, बस दो में कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रोल इसमें देखा गया कि विधानसभा स्पीकर का जो रोल है ना, बहुत ज्यादा हास्यास्पद रहा है। उनका कोई रोल इसमें दिखाई नहीं दिया, जबकि जो सत्र की तारीखों का या दिन का जो डिसीजन है वो स्पीकर साहब ने लेना होता है। दो दिन का होगा, तीन दिन का होगा, गवर्नमेंट का काम नहीं है। सीएम साहब पहले अनाउंस कर रहे हैं एक दिन का होगा, लेकिन उसके बाद जो एडवाइजरी कमेटी का डिसीजन होता है कि अभी दो दिन चलेगा या तीन दिन चलेगा, उसमें भी स्पीकर साहब ये कहते हैं बीच में क्वेश्चन आवर नहीं होगा। ये स्पीकर साहब ने देखना है, और बार बार आपने पूरे सदन में देखा होगा कि कोई भी बिल पे बहस नहीं रही। अगर बिना बहस के पास करना तो कैबिनेट पास कर लेती। हमारे नेता ने तो यही कहा, नेता प्रतिपक्ष ने यही बोला है कि तो कैबिनेट में पास हो गए तो पास मान ले, इसको विधानसभा में लाने क्या जरूरत इन बिलों को। केवल ये एक दिखावा है, छलावा है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, ना ही इन्होंने गन्ने का जो दाम है और लोगों को मिले अभी तक, ना ही कोई लैंड ऑर्डर की देखो उसके बारे में बात हुई है, ना कर्मचारियों के बारे में बात हुई है। कितने मुद्दे हैं जो कि उठाए जाने चाहिए थे, इसका कोई फायदा किसी ठीक है ठीक है ठीक है। मंदीप बिश्नोई, संक्षेप में आप तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से आचरण ठीक नहीं रहा। बिल्कुल, और जो ये आज इस तरह की विधानसभा की कार्रवाई होती है, तो मेरे विचार से ऐसा लगता है कि दोनों की तरफ से साझी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसको फिर क्रियान्वित किया जाता है विधानसभा के पटल पर, जो कि जनता के साथ सरासर धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों नोरा कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों के दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर विपक्ष अपनी बात पहले से कोई मजबूती के साथ कहीं बाहर रख रहा होता, मुख्यमंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं हमने विपक्ष से बात करके सत्र बुलाया है, विपक्ष ये कह रहा है हमें बुलाया नहीं है, तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो ये दोनों लोग बता सकते हैं। प्रदेश की जनता दोनों को देख रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं उससे इन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता। ठीक है, तरुण मंडारी जी, क्या स्क्रिप्टेड है सब कुछ, नूरा कुश्ती चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि जो वादे किए थे, जो संकल्प लिए थे 154, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और सत्र छोटा करने की बात, और दूसरा आप देखिए शुक्रवार का दिन निश्चित किया जाता है ताकि दो दिन छुट्टी आ जाए, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, प्रजातंत्र की हत्या है। इतने बड़े मुद्दे हैं, आज किसान का बुरा हाल है, बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने वादा किया था युवा वो मांग कर रहे हैं, कर्मचारी कच्चे कर्मचारी सड़कों पे हैं, ट्रांसपोर्ट दोबारा हमारे रोडवेज के कर्मचारी दोबारा स्ट्राइक पे जाने को हैं, आज ये स्थिति है, कानून व्यवस्था बुरे हालात में है, महिला उत्पीड़न है। आप बताइए स्मार्ट सिटी, कितने वादे इन लोगों ने किए थे, कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए, जानबूझ के ये छोटा सत्र बुलाया गया ताकि विपक्ष की आवाज ना दबाई जा सके और वो बात ना रख पाए। विपक्ष तो है ही है, इनके विधायक भी आज पत्र
पत्रकार वार्ता करके सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं। इनको यह था कि हमारे ही विधायक अगर इस बात तरह की बात करेंगे तो हमारी किरकिरी और होगी। इन बातों के डर से इन्होंने सत्र इतना छोटा बुलाया ताकि कोई भी मुद्दा डिस्कस ना हो पाए। और ये सरकार अपने जो झूठे जुमले फेंक रही है, जिस तरह से वाई वाई खुद लूटने का काम करते हैं, वो खुद लूटती रहे। चलिए बिल्कुल सत्यव शास्त्री जी, अंत में ये तमाम चीजें आपने सभी विपक्षी आरोप आप सुन लिए हैं, क्या जवाब नहीं थे या सुनना नहीं था, ये जो भी आरोप लग रहे हैं क्या कहना है आपको? ये एक पूर्व नियोजित और विपक्ष के सभी पक्षों से बातचीत करके सत्र रखा गया था, और मैं फिर दोहराता हूं कि सत्र की परंपरा नहीं थी और सत्र रखा इसलिए कि माननीय सदस्य उस पर अपनी बात रख सके। और मैं आग्रह करूंगा मेरे विपक्षी भाइयों से कि आने वाले समय में जब बड़ा सत्र आएगा, और पीछे भी बड़े सत्र दिए हैं, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, आप अपने मुद्दे रखिए। लेकिन जब आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, जिन मुद्दों को आप मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता उनको नकार चुकी है, और जो कुछ समस्याएं आपने देन आपकी देन है, उन समस्याओं का हम निदान करने में भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जहां 2-4-5% की कमी है, एक साल हमारे पास हो रहा है, हम उसको पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। एक साल में करोगे आप, चिंता मत करो, आपके 70 साल का जवाब केवल 70 साल के कारण तो आप आए हो। जो झूठा दुष्प्रचार आपने किया उसी के कारण आए हो आप। अपने आप बताओ, 4 वर्ष में आपने 5 काम करवा दो, जो आपने 5 काम करवा दो, हाँ एक काम जरूर किया आपने, मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। सत्यवर्ती ने दिया कि आपने एक काम जरूर किया, आपने वादा किया था गुजरात मॉडल लागू करने का, वो आपने लागू कर दिया हरियाणा में। एक बार नहीं, 3 बार गुजरात एक बार जला था आपने, हरियाणा को 3 बार जलाने का काम किया। ये काम आपने किया, सिर्फ एक ही काम करने में कामयाब। कुल मिलाकर जो आज का जो सत्र था उसमें सवाल ये है कि किसानों का गंभीर मुद्दा उठा, लेकिन उसमें अब हंगामा भी देखने को मिला, तो ऐसे में कितना सार्थक ये सत्र रहा ये जनता तय करेगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।